वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल। आज हम क्लास 12th इंग्लिश विस्तार बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है द थर्ड लेवल, उसके 50 एमसीक्यू करेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर। अगर तुमने ये 50 एमसीक्यू कर लिए, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल के राइटर कौन है? जैक फिनी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क हाउ मेनी स्टेशंस वर देयर? तो और सब लोग जो थे न्यूयॉर्क के, उनके हिसाब से वहां पे कितने स्टेशन थे? वहां पे 2 स्टेशन थे। अकॉर्डिंग टू नरेटर, जो चार्ली है, जो प्रोटैगोनिस्ट है इस चैप्टर का, उसके हिसाब से वहां कितने स्टेशन थे? वहां 3 स्टेशन थे। नरेटर्स फ्रेंड वॉज डैश बाय प्रोफेशन, जो नरेटर यानी चार्ली का जो दोस्त था उसका प्रोफेशन क्या था? वो साइकाइट्रिस्ट था। डिड साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ नरेटर बिलीव द नरेटर अबाउट 3 स्टेशन? जब चार्ली ने अपने दोस्त और जो साइकाइट्रिस्ट भी था उसे बताया कि यार वहां पे मुझे तीसरा स्टेशन भी मिला, थर्ड लेवल भी, तो क्या उसे इस बात पे विश्वास हुआ? नहीं, नो। नरेटर इन दिस स्टोरी इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। जो चार्ली है उसे किस चीज को कलेक्ट करने का शौक है? स्टाम्प्स कलेक्ट करने का शौक है। प्रेसिडेंट डैश कलेक्टेड स्टाम्प्स टू, जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे वो भी स्टाम्प्स कलेक्ट किया करते थे। नेम ऑफ द नरेटर इन दिस स्टोरी, क्या है नरेटर का नाम? नरेटर का नाम है चार्ली। चार्ली इज डैश ईयर्स ओल्ड, चार्ली कितने साल का है? 31 ईयर्स ओल्ड। नेम ऑफ चार्लीज वाइफ, चार्ली की वाइफ का नाम क्या है? नोरा फतेही, कियारा आडवाणी, लुइजा या नन? तो उनका नाम है लुइजा, नोरा फतेही मत कर देना। अकॉर्डिंग टू चार्ली ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक, चार्ली के हिसाब से जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो ग्रो कर रहा है ट्री की तरह, जैसे ट्री की ब्रांचेस ग्रो करती हैं, लीव्स ग्रो करती हैं, स्टेम ग्रो करता है। व्हाट वाज द डेट रिटन ऑन न्यूज़पेपर, जब वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया था अपनी फैंटेसी अपनी इमेजिनेशन में, तो वहां जो न्यूज़पेपर था द वर्ल्ड, उसमें डेट क्या डली हुई थी? 11 जून। हाउ मेनी डॉलर चार्ली ड्रू फ्रॉम द बैंक, चार्ली ने बैंक से कितने डॉलर निकाले? $300। Name of Charlie's friend who disappeared. Charlie का वो दोस्त जो गायब हो गया था उसका नाम क्या है? Sam. What is the theme of the lesson? इस थीम का लेसन क्या है? थीम का लेसन है human tendency of escapism because of the harsh realities of the present. ठीक है, कि जो human beings हैं वो बचना चाहते हैं आज की harsh reality से, depression से, तो उसके लिए वो बचने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं। How does the story begin? Story कैसे शुरू होती है? Story शुरू होती है in a serious manner, एक serious manner में। What does the third level signify? Third level क्या signify करता है? A human tendency to escape from the harsh reality. ठीक है, तो question कैसे भी आ जाए घुमा फिरा के, जो इंसान है आज का बड़ा परेशान है और उससे बचना चाहता है, तो कहीं ना कहीं वो छुपना चाहता है, किसी और जगह जाना चाहता है। What is waking dream wish fulfillment according to the psychiatrist in a lesson? तो जो चार्ली है उसका जो फ्रेंड है सैम, जो साइकाइट्रिस्ट है, डॉक्टर है, जब वो उसके हिसाब वहां जाता है तो साइकाइट्रिस्ट क्या कहता है? ठीक है, तो वो ये वाली बात कहता है, चार्ल्स फाइंडिंग ए थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड रियलाइजेशन ऑफ हिज विजिट टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। तो वो कहता है कि बेट, क्योंकि तुम अपने जीवन में परेशान हो, तुम्हें डिप्रेशन है, तुम गेल्सबर्ग जाना चाहते हो, इसीलिए तुम्हारी जो फैंटेसी है, तुम्हारी जो इमेजिनेशन है, वो तुम्हें वहां पे ले जाती है, पर ये कोई रियलिटी नहीं है। हु वॉज चार्लीज वाइफ, चार्लीज की वाइफ कौन थी? अभी मैंने बताया था वो लुइजा थी। नेक्स्ट, वॉट इज सैम्स लेटर टू चार्ल्स रिप्रेजेंट, जो सैम का जो लेटर है चार्ल्स को, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? अ ब्लेंड ऑफ रियलिटी विद फैंटेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज सैम्स लेटर टेस्टिमनी टू इन द लेसन प्रूविंग, हमने जब ये लेसन पढ़ा तो वहां पे हमें सैम का एक लेटर भी बताया जाता है, तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है चार्ल्स टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म फ्रॉम द रियलिटीज, जो चार्ली है वो चाहता था किसी भी तरह से अपनी रियलिटी से बचना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट, इन व्हाट वे डू वी ट्राई टू ओवरकम द इनसिक्योरिटीज ऑफ द प्रेजेंट हार्श टाइम्स, किस तरह से हम बचने की कोशिश करते हैं हार्श टाइम से? By engaging ourselves in practical activities, by talking to friends and family, reading good books. तो हम ये सब कोशिश करते हैं अपने आप को divert करने के लिए, all of these. What is the signification of 1894 in the lesson? 1894 में का क्या significance है? Representing a peaceful romantic living time. ठीक है,
चिल्ड्रन, अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल क्वेश्चन आंसर को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई रिक्वेस्ट करूंगा, 2 सेकंड लगेंगे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को कर दो अभी के अभी लाइक, क्योंकि तुम्हारा जो टर्म वन का एमसीक्यू है ना केवल इंग्लिश के बल्कि दूसरे सब्जेक्ट्स के भी, वो मैं यहीं पे आपको लेके आऊंगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं। Who was Sam in third level? Third level में जो सैम है वो कौन है? वो साइकाइट्रिस्ट है और फ्रेंड है चार्ली का। Why did Charlie visit Sam? जो चार्ली है वो सैम के पास, क्यों गया था? To consult the incident of third level. वो जो third level पे उसके साथ incident हुई थी, वो उसे सुनाने के लिए गया था, बताने के लिए गया था कि वहां पे 2 स्टेशन नहीं है, वहां तो 3 स्टेशन है। Does the third level really exist at Grand Station? क्या Grand Station पे सचमुच में 3 स्टेशन है? No. There were only 2 levels at the station. वहां पे केवल 2 ही लेवल थे, तीसरा कोई लेवल नहीं था। What unusual thing the narrator sees at the Grand Central Station? Grand Central Station पे क्या अजीब देखता है? ठीक है, वो देखता है थर्ड लेवल। ठीक है, वो क्या देखता है? वो वहां पे देखता है तीसरा लेवल देख लेता है। Why was the narrator seeing the third level? और क्या रीजन था कि उसे वो थर्ड लेवल दिखाई देता है? ठीक है, इसका रीजन है as a result of stress and anxiety in his mind. कहीं ना कहीं वो परेशान था, स्ट्रेस में था, एंग्जाइटी रहती थी उसे, तो कहीं ना कहीं उसकी इमेजिनेशन थी। What does the psychiatrist explain to Charlie? चार्ली को साइकाइट्रिस्ट क्या एक्सप्लेन करता है? That it was the result of stress and anxiety of his mind. वो कहता है कि बेटा तुम बहुत स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, ये उसी का रिजल्ट है। हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल पे चार्ली कैसा पहुंचा था? इन हिज फैंटेसी ही टेक्स अ सबवे और अ कॉरिडोर फास्टर देन अ बस। ठीक है, जब वो एक कॉरिडोर में चला जाता है सबवे से। व्हाट वाज द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल था क्या? ठीक है, एन इमेजिनरी डिस्कवरी ऑफ नरेटर्स माइंड। नरेटर के माइंड की इमेजिनरी डिस्कवरी थी, कोई रियल नहीं थी। What did Charlie see at the third level? Charlie ने third level पे क्या देखा? Flickering gas lights देखी, लोग देखे, funny mustaches उनकी मूछ अलग थी, brass spittoons थूकने वाले वो देखे पीतल के, man wearing a tan gabardine suit and straw, so ये सब अजीब अजीब सी चीज थी, all of these ये सब उसने देखा। Why was Louisa, Charlie's wife, worried? जो Charlie की wife थी Louisa, वो क्यों चिंता में थी? जब से Charlie ने उसे बताया था कि उसे third level मिल गया है, तो वो समझ गई थी कि ये एंजाइटी के शिकार हैं। Why does Charlie want to visit Galesburg? क्यों जाना चाहता है वो Galesburg? To escape from the troublesome world. क्योंकि ये जो दुनिया है जिसमें वो परेशान है, अब वो इससे कहीं बाहर निकलना चाहता है। Why do you think the third level was an escape for Charlie? तुम्हें क्यों लगता है थर्ड लेवल जो एक escape था चार्ली के लिए? Because it existed only as fantasy and not in reality. क्योंकि ये सचमुच में नहीं था, बस ये उसकी इमेजिनेशन में था। What is first day cover? First day cover का मतलब क्या होता है? A new stamp gets the postmark and date. जब जैसे ही कोई नया stamp launch होता है, तो उस पे एक postmark होती है और date होता है। How does the story interweave fantasy and reality? Fantasy और reality के बीच में story कैसे interweave करती है? ठीक है? For Charlie's tendency to treat harsh realities with his imaginary third level. What specific difference did Charlie notice at the third level of Central Station? क्या उसने specific difference देखे? उसने देखा everything was old style and smaller inside. सब कुछ पुराने style से बना हुआ था और हर चीज थोड़ी छोटी बनी हुई थी। Where was Charlie's dug on Central Station? जब उसके पीछे पुलिस पड़ गई थी, तो उसने अपने आप को कहाँ पे छुपाया? Into an arch door heading for a subway. What was the strangest thing at the third level? पे उसने अजीब सबसे अजीब चीज क्या देखी? ठीक है, उसने सबसे अजीब चीज देखी वो corridor that led him into the past, जो उसे past में ले गया था। Where was Charlie often lost? वो कहाँ खो जाया करता था? From a subway faster than a bus. ठीक है, कब वो subway ले लेता था जो जिससे वो bus से जल्दी पहुंचता था। What did Charlie find in his stamp collection? में उसे क्या मिला? उसे मिला first day cover. ठीक है, फर्स्ट डे कवर मिले थे उसे। What happens when Charlie enters the Grand Central Station? जब वो Grand Central Station पहुंचता है, तो उसे क्या मिलता है? He finds a huge tree like station, बड़ा सा स्टेशन मिलता है, जो ट्री की तरह ग्रो हो रहा है। अलग अलग स्टेयरकेस, कॉरिडोर्स और टनल्स भी मिलते हैं। ट्री कीप्स स्प्रेडिंग इट्स रूट्स, थ्रोइंग रूम्स, ये सब उसे मिलता है।
वॉट कन्विंस चार्ली दैट ही हैड रीच द थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड नॉट द सेकेंड लेवल, किस बात से चार्ली को यह भरोसा हो जाता है कि वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया ना कि सेकेंड लेवल पे। ठीक है, वहां पे उसे अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं, बियर्ड्स, मुस्ताक, न्यूज़पेपर, सो ऑल ऑफ दीज, इन सारी चीजों से उसे भरोसा हो जाता है। हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर, किसने भेजा था? सैम, सैम ने भेजा था उसे, सैम जो कि एक साइकाइट्रिस्ट था। हुज सिग्नेचर वर देयर ऑन द लेटर, पे किसके सिग्नेचर थे? सैम के। What did the letter state? Letter में क्या लिखा था? Letter में लिखा था the third level do exist and Charlie was advised to कि third level सचमुच में है और तुम यहाँ पे आ जाओ। What was Sam invited for? According to Sam को किस चीज पे invite किया गया था? एक lemonade party पे invite किया गया था। Last question का answer तुम मुझे दोगे comment section में। Who is the author of third level? Third level के author कौन है? A, B, C या D? So I hope मेरी ये 10 मिनट की explanation आपको अच्छी लगी होगी। 50 MCQ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलता हूं अगले वीडियो में, बाय।